में आपका नाम आया है। तो ये तो केस हुए, बहुत सीरियस केस है और इस केस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल केस लगाया गया है। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड है, ड्रग स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जब उसको उसके घर से अरेस्ट किया गया था तो 70 लाख रुपए कैश, 27 एटीएम कार्ड और उन्हें हेडक्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं, ICICI, HDFC और SBI। क्या आपने ऐसे आदमी को 3 बैंक अकाउंट अपने सेल किए हैं पैसे के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मैंने बताया ना सर, मैं लखनऊ गया ही नहीं कभी। हेडक्वार्टर ने ये तो इन्फॉर्म किया कि इनको 90 कस्टडी में रखने के बाद इसे इन्वेस्टिगेट की जाए और इनके जो भी बैंक अकाउंट कुछ हुए उन सबकी इन्वेस्टिगेट की जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये बातचीत सुनी आपने, इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, समझिए और इस पर सोचिए, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। खासकर अगर आपके घर में या आसपास कोई बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं या जो तकनीक को बारीकी से कम समझते हैं तो और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके जग में आपका कोई अपना आ सकता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर की बचत गंवा चुके हैं, कुछ जान दे चुके हैं। दरअसल ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है, सुना होगा आप। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है? भारत में डिजिटल ब्लैकमेल या डिजिटल अरेस्ट ऐसी घटना है जिसमें अपराधी पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम, ATS, NIA, CBI, ED, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक या ऐसी किसी भी एजेंसी के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और ऐसे आदमी को निशाना बनाते हैं जिनके बारे में पुख्ता जानकारी हो कि उसे आसानी से डराकर पैसे वसूले जा सके। ये स्कैमर शिकार को अवैध गतिविधियों में शामिल होने को लेकर झूठा दावा करते हैं और फिर उसे बचाने के नाम पर पैसा ऐंठते हैं। आप लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराएंगे तो आपको सीधा अरेस्ट करके जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन अरेस्ट वारंट भेज के आपको यहाँ 90 दिन कस्टडी बीस दिन रिमांड पर रखने के बाद ही आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये अपराधी अक्सर वीडियो कॉल पर संपर्क करते हैं और जिसे निशाना बनाते हैं उसका संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट देते हैं और फिर लाखों रुपए की वसूली करते हैं। कई मामलों में तो बड़े बड़े पूर्व अधिकारी तक इसकी चपेट में आकर 50 लाख रुपए गंवा चुके हैं। क्योंकि अगर हम ये पब्लिश करते हैं, इसको मीडिया के बारे में बताते हैं, या तो मोहम्मद मलिक इस्लाम आपके जो लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं या तो किसी ऐसी जगह भाग जाएंगे जिसको पकड़ना मुश्किल होगा या छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी की वजह से यूपी पुलिस ने इस केस को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा है। यह वीडियो गुजरात के रहने वाले विजय पटेल ने खुद रिकॉर्ड करके डिजिटल अरेस्ट के पूरे खेल का कच्चा चिट्ठा खोला है। यह बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि डिजिटल अरेस्ट में आपके खिलाफ कुछ भी आरोप लगाकर पहले आपको डराया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए। जैसे आपको बताया जा सकता है कि आपके बेटे ने किसी का अपहरण कर लिया है, फंस गया है, किसी का खून कर दिया है और वो हमारी हिरासत में है, या आपकी तस्करी का मामला कस्टम में फंस गया है, या आपके किसी बंद पड़े घर में किसी का शव मिला है, हथियार मिला है, ड्रग्स मिला है, कुछ भी। ये एक ऐसा ही केस था जिसमें स्कैमर झूठे केस में फंसाकर मोटी रकम वसूलना चाहता है, लेकिन विजय पटेल ने अपनी सूझबूझ से न केवल खुद को बचाया बल्कि स्कैमर का सच पूरी दुनिया के सामने भी रख दिया। हाँ, तेरी बात मत कर, बोल। तू जिससे बात कर रहा है नॉर्मल से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, किन से बात कर रहा है? तू जिससे बात कर रहा है ना वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर। अच्छा, कौन है तू? दरअसल विजय पटेल ने ट्विटर पर 14 लंबे थ्रेड के जरिए, पोस्ट के जरिए इस जालसाजी का भंडाफोड़ किया। ट्विटर पर अपने प्रोफाइल में विजय पटेल खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी खोजी पत्रकार भी बताते हैं। 24 अक्टूबर को दोपहर 1:47 पर वो अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। अपनी पहली पोस्ट में वो एक तस्वीर डालते हैं जिसमें वो मोबाइल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, लैपटॉप के सामने। मोबाइल पर साफ दिखाई दे रहा है कि सामने एक पुलिस वाला है, बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी में, पीछे यूपी पुलिस का झंडा, एम्बलम और तिरंगा लगा हुआ है। मतलब पहली नजर में किसी को भी इसके नकली होने का जरा सा भी शक नहीं हो सकता। विजय लिखते हैं कि कृपया इस थ्रेड को पढ़ें, देखें और अधिक से अधिक साझा करें ताकि हम अधिक लोगों को इस धोखाधड़ी से बचा सकें। दूसरी पोस्ट में वो कहानी शुरू करते हैं।
सबसे पहले वो लिखते हैं, मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरे मोबाइल नंबर अगले 4 घंटों में ब्लॉक कर दिए जाएंगे क्योंकि उनका इस्तेमाल उत्पीड़न और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। विजय ये भी बताते हैं कि स्कैमर्स ज्यादातर ऐसी कॉल भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी के नाम पर करते हैं। तीसरी पोस्ट ध्यान से सुनिएगा, विजय लिखते हैं, इसके बाद उन्होंने मुझे 12 घंटे में यूपी के लखनऊ पुलिस स्टेशन पहुंचने या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा। ऐसे में कोई भी होगा तो उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बयान दर्ज कराना ज्यादा आसान लगेगा, वो यही विकल्प चुनेगा। स्कैमर को यह बात पता होती है और वो इसी के इंतजार में बैठे रहते हैं। विजय लिखते हैं कि मुझे अंदाजा तो था लेकिन मैं इस घोटाले को रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए मैंने गूंगे और बुरी तरह डरे हुए आदमी की तरह व्यवहार किया। डिजिटल अरेस्ट करने वाले इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि वो इसे भांप नहीं पाते, वो फौरन इस कॉल को रिकॉर्ड करने की तैयारी शुरू करते हैं। विजय चौथी थ्रेड में विजय पटेल ने व्हाट्सएप कॉल आने और फिर बातचीत शुरू होने की वीडियो डाली और लिखा है कि व्हाट्सएप कॉल आने के बाद मुझे पुलिस की वर्दी में एक जालसाज मिला जिसने पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बना रखा था। यही कारण है कि ज्यादातर लोग यह मानने लगते हैं कि एक असली पुलिस केस है। यह जानने के लिए कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, यह क्लिप देखें। आप ध्यान से पूरी बात सुनिए क्योंकि यह कल को खुद आपके साथ भी हो सकता है और आपके किसी अपने जानकार के साथ भी। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से टाइप करूंगा, वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। इसके बाद जालसाज माहौल बनाने के लिए लाइन पर रहने की बात बोलकर खुद अपना वीडियो ऑफ कर देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि खुद उसका भांडा फूटने वाला है। स्क्रीन पर नंबर साफ दिखाई दे रहा है। ये नंबर हम इसलिए सार्वजनिक कर रहे हैं कि इस नंबर का इस्तेमाल जालसाजी में हुआ है ताकि आप सावधान रहें। पूरे 59 सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। आप देख सकते हैं कि जालसाज विजय को वीडियो कॉल पर रहने की बात बोलकर खुद गायब हो गया वीडियो से। इसके बाद की बातचीत सुनिए। ठीक है सर। विजय जानबूझकर खुद को बहुत डरा हुआ दिखाते हैं जिससे जालसाज को शक न हो, लेकिन साधारण आदमी, आम आदमी शायद इतना दिमाग नहीं लगाएगा। अब जरा आगे की बात सुनिए। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। अब आप ही बताइए इस पर किसको शक होगा। 100 में से 99 लोग इस पर फौरन भरोसा कर लेंगे और वही करेंगे जो दूसरी तरफ से कहा जाएगा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। आगे सुनिए। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है जो नंबर है 933-55-000। ये नंबर 20 जून 2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226-005। किसी के भी होश उड़ जाएंगे ये सुनकर, कोई भी दबाव में आ जाएगा। इसके बाद जालसाज विजय को झांसे में लेना शुरू करता है। तो सबसे पहले आप अपना खुद ही बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा। हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। आप पीछे से पन्ना फड़फड़ाने की आवाज में सुन पा रहे होंगे। पूरा माहौल इस हिसाब से बनाया जाता है जिससे आपको यकीन हो जाए कि आप किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी से ही डील कर रहे हैं जिसे दरकिनार करने की बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। ऑफिस आ गए। हाँ। ओके ओके ठीक है। तो देखिए आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, वो थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर।
आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। ये आपकी ऐसी निजी जानकारियां हासिल करने की चाल होती है जो सिर्फ आपको पता होती है, और आप तुरंत ये गलती कर बैठते हैं। आगे जालसाज ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपके साथ आपके आसपास कोई मौजूद ना हो, जिससे आप ना तो किसी से सलाह ले सके और ना संपर्क कर सके। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि स्टेटमेंट लाने में आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। चौथी पोस्ट में विजय लिखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, उसने मुझे अपने पीछे के कैमरे से 360 डिग्री का दृश्य दिखाने के लिए कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसका बाप हूं। नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। विजय बिल्कुल आज्ञाकारी आदमी की तरह जालसाज को कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हैं कि वो पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुके हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। इसके बाद जालसाज विजय के बारे में निजी जानकारियां जुटाना शुरू करता है, इससे दबाव और बढ़ता है। तो ये बताइए विजय, क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। सॉरी, किसका बिजनेस है? हार्डवेयर, हार्डवेयर का, लोहे की चीजें होती है ना। हाँ हाँ। लेकिन इतना काफी नहीं होता, आपको धीरे धीरे यकीन होता चला जाएगा कि सब कुछ सचमुच में कोई लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन। बीकॉम किया है? हाँ। विजय पटेल ने जिस चतुराई से जालसाजी की इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया है, वो वाकई आंखें खोल देने वाला है। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, इसके बारे में बताइए। एज मेरी 37 है सर। 37 है? आप सिंगल है, मैरिड है? मैरिड हूँ सर। मैरिड है, ओके। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारा फर्जीवाड़ा शुरू होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नाम पर आने वाली एक फर्जी कॉल से। आपको लगेगा कि ये जालसाज दूसरा है और ट्राई की तरफ से कॉल करने वाला दूसरा, लेकिन दोनों एक ही गिरोह के लोग होते हैं। आपको फोन कहाँ से आया था, क्या बताया उन्होंने, सबको डिटेल बताइए। सर मुझे आज सुबह अभी कॉल आया, एक घंटा हो गया शायद, ट्राई से आया था ऐसा बोल रहे थे। तो उसने अपना नाम बताया, देवेंद्र राव जी जो कंसल्टेड ऑफिसर थे, और उसका एम्प्लॉय आईडी था TCC2441126। जरा सोचिए कि अगर इस जाल में कोई बुजुर्ग हो या जिन्हें इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, तो उनकी हालत कैसी होती होगी। स्कैमर पहले ही यह सुनिश्चित कर चुका होता है कि आपके आसपास कोई ना हो। और क्या बताया था आपने? एम्प्लॉय आईडी TCC2441126। और जो जो जिस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्म किया था, उनका नाम क्या बताया आपने? देवेंद्र राव जी। देवेंद्र राव? हाँ। इसके बाद जालसाज आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगता है, जिससे आपको यकीन हो जाए कि वह आपका भला चाहता है। जैसे विजय पटेल ने छठी पोस्ट में लिखा है कि इसके बाद वो मेरे आधार कार्ड के बारे में पूछना शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि इसका अवैध रूप से इस्तेमाल ना हो सके। कि कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करेंगे तो सबसे पहले उस जेरॉक्स कॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस दिन का डेट मेंशन करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पर्पस भी मेंशन करेंगे। पक्का सर। जालसाज किसी तरह बस बात को लंबा खींच रहा था, आपको उस पर विश्वास होने लगेगा। सातवीं पोस्ट में विजय लिखते हैं कि आधार कार्ड के इस्तेमाल पर ज्ञान देने के बाद जालसाज और भरोसा हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और ट्राई के नाम से एक दस्तावेज प्रिंट करता है और बाकायदा उसे व्हाट्सएप करता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नाम से, और न केवल व्हाट्सएप करता है बल्कि दबाव में लेने के लिए उसे पढ़ने के लिए भी कहता है। 17 कंप्लेंट लाउड रीड कीजिए ताकि इस पर रिकॉर्ड हो। आठवीं पोस्ट में उस फर्जी दस्तावेज की फोटो भी साझा की है विजय ने। इस पर ऊपर लिखा है, देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब आधार कार्ड से सिम लेने का मामला हो भी तो यह वित्त मंत्रालय का मामला कैसे बन जाएगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, नीचे देखिए, इश्यूड यूनिट,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, को-ऑर्गेनाइजर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, और उसके नीचे आपका नाम, आधार नंबर, सब कुछ जो आप खुद ही बता चुके हैं इसके पहले। लेटर हेड पर बाकायदा अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते लिखा हुआ, नीचे सिग्नेचर भी है, मुहर के साथ अरेस्टिंग ऑफिसर, जबकि ऐसा कोई ऑफिस होता ही नहीं है। नाम भी लिखा है नीरज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर। कमाल तो यह है कि पद है असिस्टेंट डायरेक्टर और मुहर पर लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब आधार कार्ड से सिम लेने का फर्जी मामला बनाने के लिए एक ही पन्ने पर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, असिस्टेंट डायरेक्टर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबका नाम मुहर निशान छाप दिया। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें इस तरह के आरोप देखकर पीड़ित ने जान दे दी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। 17 कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट एंड हरासिंग टेक्स्ट इन कैलाशपुरी। 9वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं, अगला कदम बहुत ही रोचक है। उसने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके पुलिस मुख्यालय में मेरे बारे में पूछताछ का नाटक किया। मुख्यालय द्वारा मुझे गिरफ्तार करने की सूचना दिए जाने के बाद उसका स्वर बदल गया और उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। Suspicious activity using this number. Revert back to me immediately, officer. Do you copy? Copy that, officer. The reported mobile number that we're looking for is 93355. जालसाज ऐसे दिखा रहा था जैसे यूपी पुलिस का पूरा हेडक्वार्टर आधार कार्ड से सिम लेने का मामला सुलझाने के लिए एकदम खाली बैठा हुआ है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर कोई साधारण आदमी होगा तो क्या करेगा? विश्वास ही तो करेगा। आपके नाम से बैंक अकाउंट मिले, क्या आपने ये 3 बैंक अकाउंट मोहम्मद मलिक इस्लाम नाम आपको, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है, क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को 2 लाख रुपए में 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में परचेज किए और सेल किए? आप समझ रहे हैं कि आधे घंटे में मामला कहां से कहां पहुंच चुका है। अपनी 10वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के साथ उनका रिश्ता साबित कर चुके थे, संबंध साबित कर चुके थे। असल में ये मामला जो है, ये जानने की एक तरकीब है कि आपके कितने बैंक खाते हैं और उसमें कितना पैसा जमा है, ताकि वो उसे साफ कर सके। जो गुजरात के अंदर एसबीआई अकाउंट खुला था, ओपन कराया था कौन से सन में? सर ये तो 10-15 साल गांव में था, तभी वहीं की ब्रांच में खोला था। 10-15 साल पहले? हाँ। ओके, तो ये बताइए आपका ये एसबीआई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये बताइए मुझे। सेविंग अकाउंट है सर। सेविंग अकाउंट है। 11वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं, इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं यूपीआई ऐप या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता हूं, ताकि वो रुपया ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। ये बताइए आपने ये एसबीआई से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डीमैट, अमेज़न पे, रुपे, पेपल, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर। ये बताइए मुझे आज की डेट में आप इसमें कितना अमाउंट रखे हो जो आपका है? सर 1.5 लाख के आसपास होगा शायद। कितना? 1.5 लाख के आसपास। इसके अलावा आपके नाम कोई दूसरा बैंक? नहीं सर, एक ही है। जालसाज हर तरह से यह पक्का कर लेता है कि आपके पास कितना रुपया हो सकता है और उसे ट्रांसफर कराने के कितने तरीके हो सकते हैं। उनकी पहली कोशिश होती है ऑनलाइन ट्रांसफर कराने की। विजय पटेल 12वीं पोस्ट में लिखते हैं कि अंत में जालसाज यह मामला फर्जी डीसीपी को सौंप देता है, जो बताता है कि मैं अपने बैंक खातों में जमा सारा रुपया उनको ट्रांसफर कर दूं और अगर मैं निर्दोष पाया जाता हूं तो यह पूरी रकम वापस हो जाएगी और इस जमा के बहाने ट्रांसफर के बदले में वो मुझे एक सर्टिफिकेट देगा। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन मोड यू यूज मोस्टली? सर ऑनलाइन और केस केस में होता है ज्यादातर। केस में मतलब किस तरह के केस में? डायरेक्ट केस ट्रांसफर, मतलब यहां पे जो डायरेक्ट दे देते ना पैसा। तुम कोई भी ऐसी ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं सर। इसके बाद विजय पटेल का धैर्य जवाब दे जाता है और वो जालसाज डीसीपी को बता देना चाहते हैं कि तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। जालसाज को यकीन ही नहीं होता कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। तू विजय से बात कर रहा है ना, वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं। अच्छा, कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूं मैं। कौन है तू? कौन है तू बता? डीसीपी था ना, अभी कौन है?
कौन है अभी तू बता। तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बताना, अभी बताना। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पेंशनधारी और नीतिगत कानूनी मामलों में कम दिलचस्पी रखने वाले खास तौर पर इनके निशाने पर होते हैं। विजय पटेल ने न केवल खुद को बचाया बल्कि इस पूरे रैकेट के काम करने के तरीके का भी पर्दाफाश कर दिया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि इस तरह का कोई भी जालसाज उन्हें अपने चंगुल में न फंसा सके। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।